काफी दिनों से चल रही है और अब ये खबर आई है हमें कठुआ शहर के लोगेट से। जी हाँ, कठुआ शहर जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ का एक गांव है लोगेट। वहाँ एक नन्ही सी बच्ची के साथ ये घटना हुई है। जो बच्ची है उसका नाम है दंशी। हम आपको सारा दिखा रहे हैं कि उसके घर का हाल, की किस तरह से उसके घर में ये घटना घटी है। बच्ची छोटी, मात्र 6 साल की बच्ची है। शाम को 7 बजे अपने कमरे में बैठ के वो बच्ची पढ़ रही थी, पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसके बाल कट गए और उसको बच्ची को खुद नहीं पता चला। बच्ची काफी ज्यादा सहमी हुई है। आप वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह से डरी हुई है बच्ची। दादू जी है, उन्होंने भी बताया कि किस तरह से ये घटना घटी और क्या 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 अंजाम हुआ। सर, क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह। जो लड़की है इसका क्या नाम है? दंशिका। दंशिका, बताइए क्या हुआ इसके साथ? ये इधरी खेल रही थी और किताबें लेकर, मैं इधर बैठा था, इसका कोई पता नहीं चला। जब खाना खाने लगे, इसकी मम्मा ने देखा कि इसकी गुत खुल गई। जी। उसने देखा इसके बाल थोड़े ज्यादा या नीचे कटे हुए हैं। इधर ही बैठे हुए हम गए मंदिर, गई हमने मंदिर तक टार्च लेकर देखा, कहीं हमें बाल नहीं मिले। कोठे पर ऊपर छत में टीवी देख रही थी, हमने उधर देखा कि उधर भी नहीं थे। फिर हमने शक में पड़ गए, हमने देखा तो इसके इधर बाल कटे हुए पीछे 7:30 बजे के बाद रात के। क्या नाम है आपका? विशाली। विशाली जी, बताइए क्या हुआ, कब हुआ? इस चीज का कुछ पता ही नहीं चला। जब मैंने इसके बालों की तरफ देखा तो इसका, मैंने एक गोल सर्कल से जुड़ा बांधा हुआ था इसका, तो मैंने इसको बोला कि तेरे बाल कुछ मुझे थोड़े लग रहे हैं, एक साइड से मुझे खोल के बता। आगे देखा जुड़ा की पिन भी निकल गई हुई थी और इसके जो वो बाल का रबर था वो भी नीचे गिरा हुआ था। और जब हम ढूंढने लगे, हमने ये ध्यान नहीं दी कि हमारे पास ही है, हमने सोचा ये बाहर से आई है, शायद बाहर कुछ ऐसी घटना घट गई। तो हम जब बाहर सारी जगह देख आए, तो बाद में हमने इसको यहाँ पे खड़े करके ऐसे बातें करी, तो मेरा ध्यान नीचे गया बेड के पास, तो बेड के पास देखा वहाँ पे इतने सारे इसके बाल पड़े हुए थे। अच्छा, तो फिर इसके बाद हॉस्पिटल में लेके गए, इसको क्यों लेके गए हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में हम इसलिए लेके गए कि किसी ने बोला कि मेडिकल चेकअप करवाना ज्यादा जरूरी है। जी जी। तो इसलिए इसको हम यहाँ पे लेके गए। वैसे इसकी सेहत तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है? ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये थोड़ी डर गई हुई है। इसी तरह की घटना अब कठुआ शहर में भी होने लगी है। मैं भी कठुआ शहर वासियों को सभी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी जरा इन चीजों से बच के रहिए, अपने आसपास जो है ध्यान रखिए, खासकर रात को, क्योंकि हमने देखा कि आए दिन ये घटना सिर्फ रात को ही हो रही है। मैं कैमरामैन सुदर्शन भार्गव के साथ उदीन एनिमेटर कठुआ हलचल से।